आगे लाइव जय साथियों, मैं अलका लांबा। आज 17 मार्च है और लगभग 1 बज रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का दफ्तर है, जिसके पीछे कम से कम नहीं 18 दिनों से इस देश का नौजवान युवा बेरोजगार यहां पर आकर बैठा हुआ है। सुना कि CBI ने इनकी मांगे मान ली है और ये यहां से जा चुके हैं, लेकिन ये अभी भी बैठे और अब तो ये हड़ताल ही नहीं, भूख हड़ताल पर। मैं चाहती हूँ कि इनसे बात की जाए ताकि देश के अंदर जो बेरोजगारी और जो इनके मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं, क्यों आज भी, क्योंकि हमें मालूम है कि होली में भी ये बच्चे, ये छात्र युवा जो है यहाँ से हिले नहीं थे, होली वाले दिन भी ये यहीं पर थे और आज पिछले 3-4 दिन से कुछ छात्र भूख हड़ताल पर चले गए। बहुत गर्मी है, पानी और कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन ये अड़े हुए हैं। मैं आप उन छात्रों से, कल मुट्ठी भर छात्र रह गए हैं, लेकिन बात करवाऊंगी कि क्यों यहाँ बीबी यहाँ पर टिके हुए। आइए, कितने लोगों ने नहीं खाया है, आपने नहीं खाया, आप सभी ने कब से नहीं खाया? आपने परसों दोपहर को खाया था। बसंत जी एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मैडम नाम सूर्य प्रताप है मेरा। सूर्य प्रताप जी, आपने परसों से खाना क्यों नहीं खाया है? मैडम खाना, एक तो खाने से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। मैडम कोई बात ही नहीं सुन रहा हमारी। क्या नहीं सुन रहा, क्या सुनाना चाहते हैं मैडम? हमने इनके दो मांग रखी थी सरकार से, हमारी CBI जांच करा दो, तो जितने भी एग्जाम है ठीक है, और एक हमारी जो ऑनगोइंग एग्जाम है SSC के, ठीक बंद करा दो, ठीक है। मैडम जब करप्शन हो रहा है वो कैसे हम, ठीक है ये एग्जाम सही हो? नहीं तो आपकी जो पहली मांग है CBI वो तो मान ली गई है ना? मैडम कहाँ पे मान ली गई है, हमारी कोई मांग नहीं मान ली गई है मैडम। CBI की मांग तो मान ली है राजनाथ सिंह, गुमराह किया गया हमको, गुमराह क्या, गुमराह किया गया है हमें, सारे एग्जाम्स की CBI जांच चाहिए, जबकि हमारी मांग वो मानी गई है कि एग्जाम के पर्टिकुलर कि केवल SSC CGL का जो मेंस का एग्जाम है 17 से 22 तक का, उसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने में उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई लिखित नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, अच्छा। हाँ, हमें नहीं, तो आप जब पहले दिन से मांग पे बैठे थे तब आपकी क्या मांग थी, सारे एग्जाम की या एक की? सारे एग्जाम की CBI जांच होनी चाहिए, वो भी एक फिक्स टाइम लिमिट में बताया जाना चाहिए। बच्चे ये मांग कर रहे हैं CGL में जो 2017-18 के जितने सारे पेपर है, CGL हो, HSL हो, MTS हो, CPO हो, सारे पेपर की CBI जांच हो और SSC के मॉनिटरिंग कमेटी में होना चाहिए। दूसरे बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि SSC CGL के जो भी ऑनगोइंग पेपर हो रहे हैं उसकी भी रोक होनी चाहिए, और बच्चे ये भी कह रहे हैं जब तक जो सरकार ये मांग नहीं मानती है बच्चे यहाँ पे बैठे रहेंगे और 31 मार्च को देश से सारे बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे। ये मुझे बच्चे नहीं लग रहे, मुझे देश का युवा नौजवान लग रहा है, जिस जो हमारी आबादी 75%। मैंने भी सुबह एक ट्वीट किया है जिसमें मैंने लिखा है कि देश 75% आबादी इन युवाओं की है जिन्हें देश की ताकत बनना चाहिए था, वो आज भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है सरकार के सामने। पर आपको लगता है ये मुट्ठी भर लोगों से, आप युवाओं से, ये सरकार जो है वो हिल जाएगी? क्योंकि कल क्या था, कल क्या दिखाया हमने टीवी में तो नहीं देखा, कल क्या हुआ था? न्यूज चैनल तो कोई दिखाना ही नहीं चाहता है, सबसे बड़ी बात कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाना चाहता। क्यों नहीं दिखाना चाहेगा न्यूज चैनल, अभी भी एक खड़ा है, सकते हो बताइए चैनल क्यों नहीं दिखाना चाहता? रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, वहां पे चलने नहीं देते हैं, वहां पे दबाव बना रहे हैं। किसी चैनल नहीं है, NDTV में थोड़ा सा आया, राहुल गांधी जी आए थे तब आया, तब का थोड़ा सा आया, उसके अलावा कहां दिन भर दिखाया। क्योंकि मैम न्यूज चैनलों को TRP चाहिए और मैम TRP यहां से स्टूडेंट से TRP तो नहीं मिलने वाली, TRP उन्हें श्रीदेवी से मिलेगी, TRP उन्हें शमी से मिलेगी, यहाँ स्टूडेंट से कोई न्यूज चैनल को TRP। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि TRP यहाँ पे लड़कियों के लिए टॉयलेट वगैरह सब बंद है, यहाँ पे हमारे गर्ल्स के लिए टॉयलेट तक बंद करवा रहे हैं। अभी वहाँ पर भी देखिए आप, मेट्रो स्टेशन के पास युवा सो रहे हैं, यहाँ पर काफी गर्मी और 27 तारीख से कंटिन्यू रुके पड़े हैं, इन्हें 20 दिन हो गए, लेकिन टॉयलेट कैसे बंद है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, टॉयलेट बंद है, सब कुछ है।
मैं यहाँ तीसरी बार आ रही हूँ और यहाँ पर पूरा पहले सैलाब था, अब कुछ चंद लोग युवा यहाँ पर अपनी मांग के साथ टिके हुए हैं। आप कब तक टिके रहेंगे? हमें तो मालूम है कुछ लोग होली जैसे त्योहार पे भी यहाँ से जाना चाहते तो जा सकते थे क्योंकि रोका नहीं गया किसी को भी, फिर भी वो नहीं गए हैं। और आज भी मैं देख रही हूँ आप चंद मुट्ठी भर लोग हैं, पर हमें ये मालूम है इस मुट्ठी में भी खूब ताकत होती है। लेकिन कल से हम लोग देख रहे हैं, मैं सिर्फ साथियों, मैं अलका लांबा, आपको बताया मैं यहीं से रोज गुजरती हूँ। इस आंदोलन में तीन बार मैं आई लेकिन टीवी मीडिया में कुछ नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं इनके ट्वीट सोशल मीडिया पर आते हैं। और ये पता लगा कि जैसे हमारे एक युवा ने, कुछ युवाओं ने कल से कुछ खाया नहीं, परसों से कुछ नहीं खाया है। और इनकी मांग, मुझे लगता है सिर्फ ये अपने लिए नहीं बैठे, अपनी मांग एक आधी तो हम मनवा लेते हैं, पर देश की आधी आबादी, बेरोजगारी का मुद्दा और जिस तरह से SSC डिपार्टमेंट के विभाग में परीक्षाओं में धांधलेबाजी है और जिस तरीके से, मुझे लगता है ये न्याय की लड़ाई बहुत लंबी है। अभी भी आप देखेंगे पीछे तिरंगा जो है वो लेकर इस तिरंगे के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं, और SSC का दफ्तर भी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल उसी के सामने। ये यहाँ पर थोड़ी बहुत पुलिस भी है, बट बड़ा शांत माहौल है किसी तरह का। लेकिन बहुत गर्मी के बावजूद भारत की राजधानी दिल्ली में SSC की सभी परीक्षाओं की CBI मांग को लेकर और जो टाइम बाउंड जांच को की मांग को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं डेली भी हो रहा है, डेली कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं, डेली आप देख रहे होंगे न्यूज़ के अंदर डेली पकड़े जा रहे हैं। SSC नोटिफिकेशन कब तक एग्जाम पर रोक लगनी चाहिए? आपका कहना है कि CBI टाइम बाउंड जांच करे और सभी की करे, जल्दी नतीजे पर पहुंचे, उसके बाद आप एग्जाम जो है करवाइए ताकि एक विश्वास बना रहे कि एग्जाम जो हम दे रहे हैं उसमें कोई किसी तरह की हेरा फेरी धांधलेबाजी नहीं। हमारी जो मांग शुरू हुई थी वो SSC CGL के पेपर की शुरू हुई थी, जो अभी SSC CGL का हुआ था। बीच में जब निकल के आया कि उस टाइम पे MTS की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी, उसमें बच्चों के 149 मार्क्स है मैम, डेढ़ नंबर का एक एग्जाम एक क्वेश्चन होता है, अगर मार्क्स कटेंगे तो 148.5 आ सकते हैं, 149 कभी आ ही नहीं सकते। 37.5 नंबर का एक पेपर होता है, बच्चे को 50 नंबर दे रखे, कैसे हो सकता है? 37 में से 50 नंबर कैसे आ सकते हैं? 137 पे कट ऑफ जाते हैं, 90% मैम किसी एग्जाम की कट ऑफ नहीं जा सकती, क्या भगवान उतर आए क्या ऊपर से? मैम 200 में से 195 नंबर मार्क्स आते हैं, मैथ परफेक्ट नहीं, जिनके आए हैं वो कौन लोग हैं? मैम वो ये जानते होंगे जयपुर और अलवर से 25,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, जयपुर और अलवर से 8,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, सारे होशियार बच्चे जयपुर और अलवर के। नाम बताता हूँ, आर्य कॉलेज, 8,000 बच्चे एक ही कॉलेज से सेलेक्ट। आर्य कॉलेज कहाँ है? ये जयपुर के अंदर है, जयपुर और से मैम ये भाई आया हुआ है, 27 तारीख से ये भाई यहाँ है, जयपुर से आया हुआ है, ठीक है। स्टिल इससे पूछे मैम कि कौन सा कॉलेज है और कब से बच्चे वहाँ पे, क्या हो रहा है और क्या धांधली हो रही है? लेकिन जयपुर में युवाओं में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? बिकॉज हमने देखा कि एक चपरासी की भी नौकरी लगती है तो पढ़ा लिखा युवा जो एक सरकारी नौकरी की उम्मीद करके, PhD है, डॉक्टरेट है, वो भी एक चपरासी की नौकरी तक करने को तैयार है, कम से कम सरकारी तो है, पक्की तो है। माँ बाप जो है वो पूरा जिंदगी पढ़ाई में लगाया कि बच्चा अब युवा हो गया है, रोजगार मिल जाएगा और बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर वो आज भी बोझ है माँ बाप पे क्योंकि आज भी वो परीक्षाएं पास करके नौकरियां नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पर रोजाना कितने युवा जो है सुबह शाम क्या आते जाते रहते हैं? आपको लगता है ये सरकार सुनेगी? सुनना पड़ेगा हमारी, हम मुट्ठी भर है, पर 31 तारीख को सरकार के हल्ला बोल बोल रहा है हमारे ऑल ओवर इंडिया से, 31 मार्च को हमारे वो बंदे आ रहे हैं, हमारे देश भर से आ रहे हैं युवा, दिल्ली में आ रहे हैं 31 मार्च को, हल्ला बोल है हमारा, हल्ला बोल है। कल हमारे टीचर्स और डेलीगेशन मिला था, इन लोगों ने कहा कि हम होम मिनिस्ट्री से बात करेंगे और हमें कुछ दिन का टाइम चाहिए, इसलिए स्टूडेंट ने आगे पोस्टपोन किया। ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, ये अब भी जारी रहेगा और 31 मार्च को अल्टीमेटम है और हल्ला बोलेंगे मैम। तो 31 मार्च को आप सभी
सोती हुई सरकार को जगाने का फैसला कर चुके हैं। हल्ला बोल होगा और आपको उम्मीद है देश भर से नौजवान इस न्याय की लड़ाई में बेरोजगारी के खिलाफ और धंधेबाजियों के खिलाफ आपके साथ जुड़ेगा। 15 दिनों में हल्ला बोल की तैयारी होगी। हां 15 दिनों में हल्ला बोल की तैयारी होगी। क्या तैयारी होगी आपकी, किस तरीके से आप युवाओं तक अपना संदेश देश भर में पहुंचा रहे हैं? सोशल मीडिया ही आपके पास सहारा है? मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद नहीं रही मैम, सिर्फ सोशल मीडिया सहारा है। इलाहाबाद में भी इससे दुगना तिगुना भीड़ के साथ प्रोटेस्ट हुआ इसी के लिए, इसी डिमांड के लिए। फिर गांधी मैदान में, पटना में हुआ और लाठी चार्ज कर, पटना में भी हो रहा है। कौन कौन से राज्यों में चल रहा है आपका समर्थन? इलाहाबाद, वहाँ पर भी छात्र बैठे हैं आपके समर्थन में इसी मांग को लेकर, पश्चिम बंगाल में भी है। पर अभी मैं एक एक से पूछ रहा हूँ, यहाँ कौन कौन से देश के राज्यों के लोग आए हुए हैं? आप बिहार से हैं? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, यूपी, मुजफ्फरनगर, दिल्ली से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, हरियाणा से भी है, जयपुर, बिहार, यूपी, हरियाणा, यूपी, आगरा, यूपी, आगरा। तो अभी मैं आप बेशक मुट्ठी भर लोग, सरकार कहती है मुट्ठी भर लोग हैं, ज्यादातर जा चुके हैं और ये किसी न किसी राजनीतिक दल के जो है ने समर्थन है इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं खुद एक राजनीतिक दल से हूँ, आम आदमी पार्टी से। मैं इसीलिए इस आंदोलन में आती हुई डरती रही कि कहीं ना कहीं हमारे आने से यहाँ पर, या कल पता लगा राहुल गांधी भी आए थे, हमारे आने से इनका जो आंदोलन है, इनकी जो मांग है, वो कहीं पर जो है राजनीति का शिकार ना हो जाए, इसलिए हमारे जैसे लोग दो तीन बार आए, सिर्फ इन्हें हिम्मत देने और चले गए। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग कहते हैं सरकार रह गए जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मैं ये कहूँगी ये मुट्ठी बंद मुट्ठी भी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। तो मैं आप सभी से अपील करूँगी 30 मार्च, माफी चाहूँगी 31 मार्च 2018 को हल्ला बोल ये करेंगे, संसद तक मार्च करेंगे और देश के युवाओं को कहूंगी, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपकी लड़ाई, आपकी रोजगार की लड़ाई, आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है, परीक्षाओं में बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं और आपको लगता है कि पीछे से कोई पैसा देकर, रिश्वत देकर, बड़े नेता की अप्रोच से, या बड़ा नेता का आदमी जो है, या बड़े आदमियों के लोग बच्चे जो है वो नौकरी लग जाते हैं, आम गरीब का बच्चा इसी तरह संघर्ष यूं ही करता रहता, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करूंगी पूरे देश के नौजवानों से, ये एक एक युवा है, चाहे एक युवा हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, बिहार से है, बहुत पश्चिम बंगाल से, एक एक युवा है, वो एक युवा मुझे लगता है आपके राज्यों के अनेकों युवाओं जो अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बेरोजगारी के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप बैठा हुआ है। उम्मीद करते हैं 31 मार्च को हल्ला बोल में देश का नौजवान जो बेरोजगार है, जो न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है, ये मौका है, क्योंकि पिछले लगभग 18 दिन से मैं देख रही हूँ, होली का पर्व था जब सभी को अपने घरों में होना चाहिए था परिवार के साथ, ये होली वाले दिन भी यही बैठे रहे, और 13 तारीख को आपने शायद 13वीं मनाई है, 13वीं की है। ये देश युवाओं का देश है, 75% आबादी इस देश की नौजवानों की है, इन नौजवानों के इस देश की ताकत बनकर इस देश के विकास में भागीदार होना चाहिए था, पर दुख की बात है ये देश का नौजवान जिस पे हम गर्व करते हैं कि युवा भारत, ये किस पे पूरे देश में हो रहा है। तो आपका कहना खाली दिल्ली में नहीं, 31 मार्च को पूरे देश में, देश व्यापी हो रहे, राज्यों में भी होगा, युवा यहाँ पर भी आएंगे, भूख हड़ताल हो रहा है, कल का भूख हड़ताल पूरा देश में व्यापी था। अच्छा, कल के भूख हड़ताल में ये जो संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, कल जो जनसैलाब उभरा था, इससे बड़ा जनसैलाब इलाहाबाद में उभरा था। 700 मीटर का जो 2 लेन की जो सड़क थी ना, पूरी भरी हुई थी, और सिर्फ ये पटना, ग्वालियर, हैदराबाद, जयपुर, मीडिया अखबार में आया जन सैलाब की तस्वीरें और न्यूज, कोई मीडिया ने नहीं छापा? मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है मीडिया को या तो दबाव है या टीआरपी नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या कर, दोनों है कि टीआरपी नहीं है क्योंकि मुद्दा वो नहीं है जो आपने बताया, और दबाव भी है, वो हिंदू मुस्लिम दिखाता है केवल, ये हिंदू मुस्लिम रियल मुद्दे हैं वो नहीं दिखाता मीडिया, तो वही मुद्दे चाहिए जिनसे टीआरपी मिले, इनसे लोग नहीं देख रहे हैं। कल 15,000 बच्चे चाहिए अयोध्या में मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा,
मैडम मोहम्मद शमी का मुद्दा तो उसके घर का मुद्दा है, ये क्यों उठा रहे हैं? हमें देश को क्यों बता रहे हैं मोहम्मद शमी का उसके घर का मुद्दा है? बहुत खूब। देश को क्यों बता रहे हैं कि मोहम्मद शमी के साथ ये हो गया वो हो गया? अरे हो गया उसके घर का मुद्दा है, हमारा दिखाओ ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे लगता है इन्होंने साफ संदेश दिया है, व्यक्ति मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश मुद्दा है, किसान मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है। पर इनकी बात ठीक है, इनका दर्द ठीक है, चाहे वो माफी चाहूं श्री देवी हो, आज क्रिकेटर्स जो हो उनकी चर्चा है, व्यक्ति ने क्या कहा, व्यक्ति के मुद्दों को मीडिया इतना बढ़ चढ़ कर दिखाता है। आपने देखा तमिलनाडु से किसान आए, और अभी तो महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरह से मिलो चलकर जो है वो मुंबई तक किसान हमारा पहुंचा, रोजगार नौजवान हक की लड़ाई लड़ाए, लेकिन हम एक व्यक्ति को मुद्दा बनाते हैं, सारा दिन खबर चलाते हैं ताकि जो बड़े मुद्दों से हमारा ध्यान भटक सके। मैं दोबारा आप सबसे अपील करूंगी, 600-700 लोग लगातार हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, 700-800 लोग लगातार मैं देख रही हूँ, नंबर बढ़ रहा है, 100-200-400 अभी मैं जब बात कर रही हूँ, 700-800 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, सच्चाई दिखाएंगे कि अभी इस समय SSC के दफ्तर के सामने बिल्कुल भारत का सम्मान हमारा तिरंगे झंडे के नीचे, इसे लेकर मुट्ठी भर नौजवान जा रही, मुट्ठी बंद मुट्ठी भी बहुत ज्यादा जो है इस सरकारों के लिए तानाशाह सोई सरकारों के लिए महंगी पड़ सकती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी 31 मार्च को आप सभी नौजवानों का युवाओं का हाथ देने के लिए हल्ला बोल में भारत की राजधानी 31 मार्च भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, साथियों का धन्यवाद करती हूँ जो 700-800 लोग लाइव देख रहे हैं कि आप इनको ताकत देने के लिए। उम्मीद करती हूँ 31 मार्च को भारत की राजधानी दिल्ली के इसी SSC के दफ्तर के सामने तिरंगा झंडा लेकर पहले लड़ते गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से, चोर है भाई चोर है, SSC चोर है, चोर है भाई चोर है, SSC चोर है, चोर है भाई चोर है, SSC चोर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।